सभी मेरे प्यारे भक्त भक्तिनियों को भोले के इस तुच्छ दास का राम राम जी। सावन का पवित्र महीना जिसे श्रावण या सौन के नाम से भी जाना जाता है बस आने ही वाला है और सभी हिंदू इस विशेष अवसर को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास का त्यौहार हिंदुओं के लिए विशेषकर शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लाखों हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक भक्ति उपवास और उत्सव का समय है। आमतौर पर सावन भारत में मानसून के मौसम के आगमन के समय जुलाई और अगस्त के महीनों में पड़ता है। सावन का महीना 4 जुलाई मंगलवार से आरंभ हो रहा है। 19 साल बाद सावन में दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सावन का महीना 59 दिनों का होगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस बार सावन का महीना 5 राशि के जातकों के लिए विशेषकर शुभ होने वाला है। इन 5 राशि के जातकों को सभी सुख समृद्धि इस सावन के महीने में मिलेगी। वह 5 राशियां कौन सी हैं हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, धन्यवाद। पहली भाग्यशाली राशि है मेष। मेष राशि वालों की यह 4 जुलाई की गोचर कुंडली है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए सावन का महीना शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है। आपके रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भगवान भोले भंडारी की विशेष कृपा सावन के महीने में आपके ऊपर रहने वाली है, जिस कारण आपको समाज में मान सम्मान और अच्छा धन लाभ होगा और आपको कई अवसर मिलेंगे ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए, ऊंचे मुकाम को पाने के लिए। यदि आप अच्छा प्रयत्न करते हैं तो आपको विशेष सफलता सावन के महीने में अवश्य मिलेगी। आपके ऊपर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। अगली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि की 4 जुलाई की गोचर कुंडली यह है। इस प्रकार की ग्रह अवस्था रहने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि, सावन का महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी और आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ फुर्सत के पल निकाल सकेंगे और अपने प्रियजनों के साथ रहने का आपको पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। आपको आनंददायक कुछ खुशी के पल इस सावन में अवश्य मिलेंगे। भोलेनाथ की असीम कृपा इस महीने आपके ऊपर रहने वाली है। इस महीने आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए पूर्ण शुभ है। अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों की यह 4 जुलाई की गोचर कुंडली है। इस प्रकार की ग्रह अवस्था रहने वाली है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को सावन का महीना उत्कृष्टता अवसर प्रदान करेगा। इन भाग्यशाली आकर्षणों को हासिल करना उन पर निर्भर है। वह अपना पूरा ध्यान उन छोटे छोटे संकेतों की पहचान करने पर देंगे जो उन्हें अपने साथी के साथ एक सफल जीवन की ओर ले जा सकता है। ऐसे जातक अपने हर एक छोटे से छोटे कार्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करेंगे और इन्हें ऐसा करने से पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और इससे इनकी कार्यों पर अच्छी पकड़ बनी रहेगी, क्योंकि यह पूर्णतः कार्यों को समर्पित होकर कार्य करेंगे तो कार्यों पर अच्छी पकड़ बनना तो स्वाभाविक है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों की 4 जुलाई की गोचर कुंडली यह है। इस प्रकार की ग्रह अवस्था रहने वाली है तुला राशि के जातकों के लिए। सावन के महीने में तुला राशि के जातकों का भाग्य उदय होगा। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जो जीवन को दिशा देंगे और जीवन को आधार प्रदान करेंगे। अगर वे अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे तो उन्हें अच्छा जीवन
मिलेगा, प्यार इच्छा प्राप्त होंगी, पैसा प्राप्त होगा, मान सम्मान धन, यह सब उनके निर्णय पर, उनके निर्णय से प्रभावित रहेगा और इन्हें सोच समझकर निर्णय लेने होंगे सावन के महीने में। और भोलेनाथ बाबा की कृपा इनके ऊपर बनी हुई है, इस वजह से यह अपने निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे और यह जो भी निर्णय लेंगे वह अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सावन के महीने में महादेव की कृपा इनके ऊपर हर समय बनी हुई है। अगली और अंतिम राशि है, वह है धनु राशि। यह 4 जुलाई की धनु राशि की गोचर कुंडली है। इस प्रकार की ग्रह अवस्था रहने वाली है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि वालों के लिए नौकरी के अवसरों की भरमार रहेगी। इनके पास अनेकों अवसर आएंगे, इनको अवसर का फायदा उठाना है, लाभ लेना है। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, इससे आपको अधिक लाभ होगा। आपके पास ढेर सारा पैसा, धन, सफलता और समृद्धि आने के योग बन रहे हैं इस महीने, और आपको कभी भी अपने रास्ते में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव का विशेष आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना हुआ है। तो यह थी वह 5 भाग्यशाली विशेष राशियां जिन्हें सावन के महीने में विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपना प्रोत्साहन हमें अवश्य दीजिएगा, ताकि हम निरंतर भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। हर हर महादेव। राम राम जी। धन्यवाद। नमस्कार।